आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको कस्टम रोम का रिव्यू देने वाला हूँ जो कि मैंने लोड किया है Redmi के Note 4 मीडो पे 4 GB 64 GB वाले मॉडल पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपको सपोर्ट मिलता है, बैटरी परसेंटेज भी आपको शो हो रहा है, डबल टैप भी मैंने इनेबल कर दिया है। और जो हम रोम रिव्यू करेंगे उसका नाम है एक्सटेंडेड रोम। इस रोम पे आप देख सकते हैं आपको वर्सन 5.0 का सपोर्ट मिलता है, एंड्रॉयड 11 यहाँ क्लियर किया गया है, साथ ही साथ डिवाइस सर्टिफिकेशन कोड नेम है मीडो का। और इस पे आपको कर्नल जो मिलता है वो 4.9 वाला मिलता है, कस्टम कर्नल है। अब हम बात करें सबसे पहले शुरुआती में आपसे को बताने के लिए, तो प्ले स्टोर को मैंने लॉगिन किया है। प्ले स्टोर के बाद जब मैं सेटिंग्स पे जाऊंगा अबाउट पे, तब आपको दिखेगा डिवाइस इज सर्टिफाइड, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बैंकिंग ऐप से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बात करते हैं इस पे, देखिए आप देख सकते हैं इस पे इतने ही ऐप आते हैं। वैसे ये रोम जो है ये प्री अप्लाइड जी ऐप के साथ नहीं आता है, आपको मैन्युअली जी ऐप अपने अकॉर्डिंग फ्लैश करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इसके क्विक टॉगल हैं जिसमें आपको कुछ कलर एक्यूरेसी के साथ मिलता है, थोड़े से डिफरेंट कटआउट देने के लिए। और मी वाला ऑफिशियल जो रोम आता है उसके लाइक आपको यूआई देने की कोशिश की गई है। अब आप यहाँ और भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्विक टॉगल मिल जाएंगे जो आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर ला सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड में, इसमें कुछ नहीं मिलता है आपको। राइट साइड की भी बात करें तो इसमें भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, केवल ये एक प्लेन यूआई है। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन सेट आपको दिया जाता है। अब अगर हम बात करें आगे इसके कुछ डिटेल्स पे जाने के लिए, तो सबसे पहले आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं इस पे आपको डिफॉल्ट कैमरा मिलता है जो एंड्रॉयड ओएस के साथ आता है, ये वाला। इस पे आप ऐसे जाएंगे तो ये आपको मिलेगा कुछ बेसिक सा फीचर, बट इस पे उतनी क्वालिटी आती नहीं है। तो मैंने जी कैम इंस्टॉल किया है, अब आप देख सकते हैं जी कैम इसमें प्रॉपरली वर्केबल है। आप ये देख लिए जी कैम को, इसमें आपको कैमरा भी मिल रहा है, पोर्ट्रेट भी मिल रहा है, नाइट साइड भी मिल रहा है, साथ में 1x 2x वाली जूम वाली फैसिलिटीज भी मिल रही है, वीडियो में आपको स्लो मोशन टाइम लैप्स जूम भी मिल रहा है। और अगर मैं सेटिंग डाउन करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको 4K 60 FPS वाला भी सेटिंग मिल जाएगा, है ना। तो ये भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। और ये इसके बाद अगर हम बात करें मोड्स पे, तो पैनारोमा फोटो स्पेस भी आपको मिलता है। तो इसके अलावा अगर आपको इससे भी और एडवांस कैमरा चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा TR कैमरा, यानी कि टाइगर कैमरा। इस कैमरा पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी यानी कि ब्यूटी मोड, HDR इनहेंस वाला फीचर भी मिलता है, और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें भी आपको पोर्ट्रेट मोड मिलेगा, इसमें भी आपको नाइट साइड वगैरह सब फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें कुछ वीडियोस पे, तो वीडियो पे आपको इसमें देखिए 4K भी मिल रहा है, 60 FPS की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। और मोर पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर फोटो स्पेयर, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पैनोरामा, सब चीज का सपोर्ट आपको दिया गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, मैंने कैमरा बता दिया है। ये इसका डिफॉल्ट ब्राउजर है जो इस रोम के साथ आता है, आपको डिफॉल्ट ब्राउजर यही मिलेगा। वैसे अगर आप चाहें तो इस डिफॉल्ट ब्राउजर को अपने अकॉर्डिंग जी ऐप जब आप फ्लैश करेंगे उस हिसाब से अपने चेंजेस पे क्रोम ला सकते हैं। और इसके बाद मैंने कुछ स्पीड टेस्ट करने के लिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसा है, मैंने ओकला भी टेस्ट किया, स्पीड अच्छे से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपको एक डिफॉल्ट गैलरी ऐप मिलता है जब आप बेसिक सा जी ऐप फ्लैश करेंगे तब। अगर आप फुल साइज वाला जी ऐप फ्लैश करेंगे तो इसके जगह आपको गूगल फोटोज मिल जाएगा, फाइल मैनेजर, ईमेल, कॉन्टैक्ट, डायलर, मैसेज, कैमरा, कैलकुलेटर सब मिलता है, बेसिक सी चीजें आपको। अब हम अपने सेटिंग्स पे आते हैं फोन के। सबसे पहले यहाँ आपको इस टाइप का यूआई इंटरफेस मिलता है जो कि काफी क्लीन है और थोड़े से रंग बिरंगी दिए गए हैं ताकि आप आसानी से जज कर पाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। अब अगर मैं आगे डिटेलिंग पे बात करूं तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ हम नेटवर्क पे चलते हैं। नेटवर्क पे आपको इस तरीके के कुछ एनिमेशंस देखने को मिलेंगे, हर एक सेटिंग्स के हर एक मेनू को आप खोलेंगे तो आपको एक एनिमेशन देखने को मिलेगा जो कि रोम की तरफ से ही आता है। वाईफाई पे अगर हम बात करें तो वाईफाई के सेटिंग्स में हम जाएंगे तो
तो आपको 5 GHz की कनेक्टिविटी मिलती है और ये एक स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ काम करता है, यानी कि अगर आप 5G कनेक्टिविटी के कवरेज में रहेंगे तो आपको 5 GHz पे ही ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट करके देगा, और आप कवरेज के आउट ऑफ द रेंज जाएंगे तो आपको 2.4 GHz पे कनेक्ट कर देगा। इसके बाद जियो पे अगर हम बात करें मोबाइल नेटवर्क पे, तो यहाँ पर वोल्टी सिग्नल मैंने एक्टिवेट करके रखा है और यहाँ पर आप नेटवर्क के पास देख सकते हैं वोल्टी सिंबल भी आ रहा है। अब बात करते हैं वाईफाई कॉलिंग का, तो वाईफाई कॉलिंग इसमें दिया गया है, मैंने इनेबल किया है, बट मेरे लोकेशन पे जियो एयरटेल किसी भी कंपनी का वाईफाई कॉलिंग काम नहीं कर रहा है। तो आप अपने लोकेशन पे इसे चेक कर लीजिए, क्या ये रोम फॉल्ट है, मतलब रोम की कमी है, या फिर आपके लोकेशन पे जियो या एयरटेल जैसे ऑपरेटर का वाईफाई कॉलिंग काम करता है या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे हमारे पास और कुछ नहीं है बताने लायक, कनेक्टेड डिवाइसेस में भी कुछ नहीं है, ऐप प्रेफरेंस में भी कुछ। बैटरी पे आपको एक नया थोड़ा सा देखने को मिलेगा, वो ये है बेसिक सा बैटरी ड्रिल आपको तो यहाँ मिल ही रहा है। जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको मिलता है स्मार्ट चार्जिंग, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके बैटरी की पूरी डिटेल बताई जाएगी, आपका फोन का बैटरी कितने mAh का है, करंट बैटरी पे कितना पावर है, मतलब कितना चार्ज है, जैसे केवल परसेंटेज नहीं दिखाएगा, mAh पे बताएगा कितना परसेंटेज चार्ज है, और चार्जिंग साइकिल वगैरह भी दिखाएगा इसमें, बैटरी का टेम्परेचर भी आपको वहां पर दिखा देगा। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले पे आपको इस टाइप के कुछ फंक्शंस मिलते हैं जो आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे काम करेगा, नाइट मोड भी है, अडैप्टिव ब्राइटनेस का भी फीचर दिया हुआ है, रोटेशन, स्क्रीन वॉलपेपर, टैप टू वेकअप, टैप और पॉकेट डिटेंशन, ये वाला भी फीचर है। ये भी काफी अच्छी बात है कि आपको ये चीज दिया गया है। और अब हम बात करें डिस्प्ले के बैटरी के बाद डिस्प्ले, अब साउंड, देखिए साउंड पे भी आपको डिफॉल्ट मीडिया इंटरफेस वगैरह फैसिलिटीज मिल जाएंगे, फोन रिंगटोन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं और काफी सारी चीज आप सेटिंग कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग। स्टोरेज की बात करें तो इस टाइप का यूआई इंटरफेस आपको स्टोरेज पे देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने लिया है 8.4 GB इस पे, और ये कुछ बाकी मेरे पर्सनल डेटा है, टोटल मैंने इतना यूज किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्राइवेसी में आपको कुछ नहीं, वही बेसिक सा चीज है, लोकेशन पे भी आपको कुछ नहीं है, वही चीज है। इसके बाद अब बात करते हैं हम सिक्योरिटी पे, तो सिक्योरिटी पे आपको स्क्रीन लॉक भी मिलता है, फिंगरप्रिंट मिलता है, फेस पासवर्ड मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ मैंने सब चीज चेक कर ली है, स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, फेस पासवर्ड तीनों अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। गूगल प्ले प्रोटेक्ट भी आपको मिलता है, जैसे कि मैंने बताया हर एक कैटेगरी के अंदर आपको कुछ इस तरीके के एनिमेशंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं गूगल अकाउंट एसेबिलिटी के अंदर, एसेबिलिटी पे आपको थोड़े से कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप पावर बटन टू एंड कॉल वाला फीचर आपको मिल जाएगा, टाइम टू वेकअप मिल जाएगा, कैप्शन का सेटिंग आप कर सकते हैं इस टाइप से आपको मिल जाएगा, डिजिटल वेलबींग भी अच्छी तरीके से काम करता है, आप देख सकते हैं सेटिंग्स पैनल वगैरह मैंने सेट किया है तो उसपे किस टाइप से कंजम्पशन हुआ है। गूगल सिस्टम की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सिस्टम एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ रीसेट वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक्सटेंडेड स्टेटस मिल जाता है, डेवलपर ऑप्शन मैंने इनेबल कर दिया है, तो ये डेवलपर ऑप्शंस जो हैं ये आप तभी इनेबल कीजिए जब आपको इसका नॉलेज हो, और कौन कौन सी सेटिंग आपको इनेबल करके रखनी है, कौन सी सेटिंग्स बंद करनी है, ये अगर आपको आता हो तब, अदरवाइज ये काफी डिस्टर्बेंस वाली चीज हो जाती है। अगर आप कुछ गलत ऑन ऑफ कर देंगे तो आपके फोन पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए बेटर सजेशन है कि आप इसे इनेबल ही मत कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अबाउट फोन की अगर हम बात करें, तो यहाँ एक्सटेंडेड रोम आ चुका है और हमारा डिवाइस नेम रेडमी नोट 4 है, मेंटेनर जो है उनका भी नाम आ चुका है जिसने ये रोम को डेवलप करके रखा है, यानी कि जो आपको अपडेट प्रोवाइड करेगा वो, और इसके बाद एंड्रॉयड वर्जन भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, कोड नेम हमारे पास आ चुका है, ये रहा हमारा एंड्रॉयड 11 जो आपको एक स्टेबल वेरिएंट मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्ले स्टोर भी आपका वेरीफाइड है और आपको काफी कुछ परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा, OTA अपडेट वगैरह का भी कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। अब हम ने कैमरा भी यूज कर लिया है, जी कैम भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, वोल्टी भी काम कर रहा है, वीओ वाईफाई 12 वोल्टी और फास्ट चार्जिंग, ये तीन चीज काम नहीं कर रहा है, बाकी सब चीज इसमें काम करता है। और इस तीन चीज का जो ऑप्शन है आप पूरे इंटरनेट में ढूंढ लीजिए, आपको कोई भी फोन पे मतलब रेडमी नोट 4 के कोई भी कस्टम रोम पे 4G वोल्टी का सपोर्ट, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और वीओ वाईफाई का सपोर्ट लगभग 99% मिलेगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं अपने सेटिंग के मेन
सेटिंग्स पे जो कि डेवलपर ने खुद बनाया है, एक्सटेंशन सेटिंग। ये सेटिंग एक्चुअल पे मेन इस ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंटर है। इसमें आपको भर भर की थीम्स मिल जाएंगे। देखिए, थीम रूम के अंदर आपको काफी सारे सेटिंग्स मिलेंगे। इन पे इन्होंने अपने खुद के सेटिंग्स बनाए हैं, एक्स्ट्रा नेविगेशन बार, लॉक स्क्रीन, पावर बटन। तो थीम पे अगर आप सबसे पहले भी जाते हैं, तो ये जैसे कि यहाँ गूगल डार्क मैंने किया है, तो ये अब आप डार्क मोड का इंजॉय कर पाएंगे। इसी तरीके से आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको ब्लैक नहीं चाहिए, ग्रीन चाहिए, तो आप ग्रीन कर लीजिए। इस टाइप से आप चेंजेस कर पाएंगे। और साथ ये देखिए, ये ग्रीन हो चुका है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं, जो आपको कलर वगैरह अच्छा लग रहा है उस पे। तो अभी हम लाइट पे चलते हैं, ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी इसकी सेटिंग्स बता पाऊँ। इसमें आपको वॉल्यूम पैनल्स भी जो भी मिलता है, वो बिल्कुल मी यूआई स्टाइल पे मिलता है, आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको काफी अच्छा फील आता है कि हाँ, आप ओरिजिनल रूम ही चला रहे हैं। उस टाइप से ही आइकॉन सेव्ड, क्लॉक थीम वगैरह, आप क्लॉक सेटिंग्स वगैरह सेट कर सकते हैं, टावर, बैटरी, इंडिकेटर वगैरह, क्विक टॉगल का भी सेटिंग आप यहीं से सेट कर सकते हैं, ये कुछ सेटिंग्स को भी। उसके अलावा क्विक पैनल में भी आपको चेंजेस करने को मिल जाएगा। बटन की बात करें, तो आप डेडिकेटेड बटन्स को जेस्चर से रिप्लेस भी कर सकते हैं। और इसमें ये अच्छी बात है कि जेस्चर जब आप ऑन करेंगे, तब आपको डिफॉल्ट नेविगेशन बटन भी काम करेगा। डेकोर रूम पे आपको एम्बियंट डिस्प्ले का फैसिलिटी मिलता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही दिखाया है। ये देखिए, मैंने ऑन करके रखा है एम्बियंट डिस्प्ले, अब आप देख सकते हैं। ये देखिए, एम्बियंट डिस्प्ले ऑन है। उसके बाद आप यहाँ पर से सेटिंग कर सकते हैं, बैटरी लेवल, क्लॉक सेटिंग, बैटरीज बार वगैरह, कैरियर सेटिंग भी आपको मिलता है। जेस्चर की अगर हम बात करें, तो जेस्चर पे आपको और भी सारे जेस्चर्स मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट के लिए, लॉक स्क्रीन के लिए। अब हम लॉक स्क्रीन पे चलते हैं, तो लॉक स्क्रीन पे आपको यूआई, मीडिया, आर्ट वगैरह का, लॉक स्क्रीन, चार्जिंग एनिमेशन वगैरह भी फैसिलिटी मिल जाएगा। इसके बाद नेविगेशन बार पे अगर हम चलते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके के सेटिंग्स मिलेंगे। नोटिफिकेशंस पैनल पे भी आप यहाँ पर नोटिफिकेशन किस तरीके से सेट करना है, और बैटरी लाइट का नोटिफिकेशन कैसे आना है, मिस कॉल वगैरह का, वो भी आप सेट कर पाएंगे। इसके बाद पावर बटन पे आपको एडवांस रिस्टार्ट वगैरह का भी फीचर्स मिल जाएगा, यानी कि डायरेक्ट आप रिकवरी वगैरह बूट लोडर पे रिबूट कर सकते हैं अपने मोबाइल को। साथ ही साथ क्विक सेटिंग्स पे अगर हम चलते हैं, तो क्विक सेटिंग्स पे आपको टाइल्स का आइकॉन, कस्टमाइज फॉन्ट, ये सब के फीचर्स मिल जाते हैं, तो ये भी आपके लिए काफी अच्छी बात है। स्टेटस बार पे भी आप वोल्टी आइकॉन को इनेबल ऑन ऑफ कर सकते हैं, वीओ वाईफाई कॉलिंग को भी आप इनेबल ऑफ कर सकते हैं, और इस तरीके के आपको सेटिंग्स मिल जाते हैं। स्टेटस बार के बाद अगर हम सिस्टम पे चले, तो पार्सल स्क्रीनशॉट का भी फीचर्स आपको मिल जाता है। स्टेटस बार के बाद हम एक्स्ट्रा में जैसे चलते हैं, तो आपको एक गेमिंग मोड भी मिलता है। इसमें ये अच्छी बात है कि देखिए, डायनेमिक मोड अगर आप ऑन कर देंगे, तो ये आपके फोन पे जितने भी ऐप इंस्टॉल रहेंगे, अगर वो गेमिंग ऐप है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप गेम भी खेल के देख पाएंगे, मतलब अच्छे से गेम के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। और गेमिंग मोड पे आप डीएनडी वगैरह एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ से, ताकि गेम के दौरान आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, कॉल, मैसेज, एडिशनल नोटिफिकेशन। और मैंने ऑरेंज फॉक्स रिकवरी स्टेबल वाले वर्जन 11 पे बूट करके रखा है, आप देख सकते हैं। आपको सबसे पहले वाइप पे जाना है। वाइप में जाने के बाद आपको डेलवी, कैश, सिस्टम, डेटा, वेंडर, इन सबको सेलेक्ट करके सिंपली वाइप कर देना है। ध्यान रखिएगा, इंटरनल स्टोरेज आपको छोड़ना है, और साथ में मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव यानी कि यूएसबी ओटीजी को छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप इसे गलती से सिलेक्ट कर देंगे, तो आपका पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए इतनी चीज को आपको बिल्कुल नहीं टच करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपली आपको इसे स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद क्या होगा, जो भी आपका एग्जिस्टिंग रोम इंस्टॉल होगा, चाहे किसी भी कंपनी का आप कस्टम रोम यूज कर रहे होंगे डेवलपर के तरफ से, वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद अब आपको क्या करना है, होम बटन प्रेस करना है, फाइल ब्राउजर पे आना है। इसके बाद एक्सटेंडेड R5.0 मिडोवी, ये वाले को मैंने क्लिक किया है। इसके बाद आपको इस टाइप का कुछ डिटेल्स आएगा। इस डिटेल को आपको क्या करना है, इस डिटेल को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोई भी मेनू को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास आ रहा है एज इट इज, आप उसको छोड़ दीजिए और सीधा स्वाइप कर दीजिए। ये देखिए, ये स्वाइप स्टार्ट हो चुका है। यहाँ एक्सटेंडेड रोम का क्या बोलना चाहिए, लोगो बना दिया गया है TWRP पे। तो यहाँ पर लोड होते तक मैं आपको से मेरा रिक्वेस्ट है,
कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करें, आपको रोम की वीडियो वहां पर मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे के एक्सक्लूसिव सेल डिस्काउंट्स के वीडियो मिलेंगे, डेली बेसिस पे टेक न्यूज मिलेगा, सभी बड़े इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स जैसे कि टीवी वगैरह हो गया, सबका अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपको मिल जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। विंडोज पीसी से जुड़ा हुआ भी काफी सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, चाहे गाइडलाइन के तौर पे ही बोला जाए या हेल्प के लिए भी बोला जाए, कमांड प्रॉम्प्ट, कस्टम रोम, बूट लोडर, विंडोज 10 का, विंडोज 7 का, एक्सेट्रा, आपको सभी कुछ मिलेगा। तो आपको लोड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं जैसे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा रोम इंस्टॉल हो चुका है और इस रोम पे एंड्रॉयड 11 है ये, और फरवरी 2021 वाला रोम है। साथ में यहाँ पर आपको अगर दिख रहा है तो मीडो है और सौमी लिखा हुआ है और पैचिंग वगैरह डन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली वाइप करना है। वाइप करने के बाद आपको ऐसे स्वाइप करना है। अब वाइप करने के बाद आपको मैं बता दूं, एक्सटेंडेड रोम जो है ये प्री अप्लाइड जीएप के साथ नहीं आता है। तो अब आपको क्या करना है, रिबूट नहीं करना है, डायरेक्ट आप जाइए वापस से होम पे, फाइल पे जाइए और यहाँ पर मैंने जीएप डाउनलोड करके रखा है जिसका नाम है फ्लेम जीएप 11.0, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है और सिंपल वही मेन्यू आएगा, सिंपल स्वाइप कर देना है। अब आपका जीएप भी फ्लैश हो जाएगा, फ्लेम जीएप, जो कि एंड्रॉयड 11 के ऊपर बनाया गया है और अप्रैल 2021 का अपडेट है, और मैंने जी एप जो यूज किया है वो बेस वेरिएंट यानी कि बेसिक वाला वर्जन को यूज किया है, ताकि मैं आपको कम से कम पे रिव्यू दे पाऊं। इसके बाद ये देखिए, ये प्रॉपरली सही तरीके से इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग कोर जी एप यहाँ पर लिख चुका है। इसके बाद आपका क्या होगा, बेसिक से एप्स की लिस्ट आने लग गए हैं। देखिए अगर मैं आपको फोकस पे दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कैलेंडर हो रहा है, डिजिटल वेलबींग, इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट ऐप आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, केवल वाइप करना है, अगेन अगेन आपको वाइप करना पड़ेगा और उसके बाद आप रिबूट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। ये वाइप हो चुका है, अब आप रिबूट कीजिए, रिबूट टू सिस्टम। अब आपको प्रॉपर रोम भी इंस्टॉल होके मिलेगा, साथ ही साथ जी एप भी इंस्टॉल होके मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है, सम डेवलपर पे ऑफिशियल जी ऐप चलता है, किसी पे आपको निक जी ऐप का सपोर्ट चलाना पड़ेगा, किसी पे आपको फ्लेम जी ऐप। तो जिस भी रोम को आप डाउनलोड करें या किसी भी यूजर का वीडियो देखते हैं, उस वीडियो को पूरा देखें। समटाइम आप यूजर्स ये करते हैं कि सडनली आपने स्किप कर दिया वीडियो, फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, सर मेरे पे ये बूट लूप का इशू आ गया है, मेरे पे जी ऐप काम नहीं कर रहा है। तो देखिए, कभी भी आप किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखें, इवन मेरा भी, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, खासकर रोम इंस्टॉलेशन। रोम इंस्टॉलेशन एक हार्ड प्रोसेस है, अगर इसमें आपने कोई भी स्टेप स्किप किया तो आपको कुछ ना कुछ इशू देखने को मिल जाएगा। इसलिए इसके सेफ्टी से बचने के लिए आप फुल वीडियो देखें, कभी भी स्किप ना करें और पूरी गाइडलाइन आपको सुनते रहना है। तो देख सकते हैं आप, कुछ एनिमेशंस आ रहे हैं एक्सटेंडेड रोम्स के और आपको फर्स्ट यूआई इंटरफेस जल्द ही मिल जाएगा। आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड रोम का फर्स्ट यूआई इंटरफेस आ चुका है और ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश इंडिया डिटेक्ट हो चुका है, क्योंकि अगर आप सिम कार्ड लगा के रखेंगे तो आपका रीजन वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, अदरवाइज जब आप इसे नेट एक्सेस देंगे उसके अकॉर्डिंग ये डिटेक्ट करेगा कि ये कौन सा रीजन है। तो सबसे पहली बात, आप यहाँ पर मोबाइल सिम देख सकते हैं, बैटरी देख सकते हैं, इंग्लिश इंडिया हो चुका है। अब हम इसके सेटअप्स पे आगे बढ़ते हैं, जैसे कि सेटअप इंग्लिश इंडिया को हम क्लिक कर रहे हैं, ये यहाँ वाईफाई कनेक्टिविटी आ चुका है। आप चाहें तो इसे ऑफलाइन भी सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पर सेटअप ऑफलाइन का भी फीचर आ रहा है, बट हम इसे ऑनलाइन सेटअप करेंगे। आप जैसे ही वाईफाई पासवर्ड लिख के एंटर करेंगे, आपका सिस्टम को ऑटोमेटिकली ये ओटीए अपडेट के थ्रू रोम को चेक करेगा कि क्या ये रोम अपडेटेड है या इसका और कोई अपडेट आया है, तो वहीं आपको यहाँ पर इंफॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर रोम अच्छा है, मतलब डेवलपर अच्छे डेवलपर है, उनका सर्वर थ्रूली एक्टिवेट रहता है, सर्वर ऑन रहता है, तो आपको यहीं पर ओटी अपडेट मिल जाएगा, अगर कुछ पुराना आपने गलती से रोम डाउनलोड कर लिया है तो। देखिए इसके बाद आप जब सेटअप करेंगे, आपको इस टाइप का मेन्यू आएगा, कॉपी और ऐप डेटा करके। तो यहाँ हम डोंट कॉपी करेंगे क्योंकि ये एक डेमो वीडियो है, आप चाहें तो यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं, आपके चॉइस के ऊपर है।
इसके बाद मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज दिखा देता हूँ। तो आपसे अब आपसे पूछा जा रहा है कि जीमेल को साइन इन करना, तो यहाँ पर भी आपके पास स्किप ऑप्शन है, आप यहाँ पर लॉग इन कर लीजिए या तो स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद आपको एक और रिमाइंड करेगा, अब हमें सिक्योरिटी लॉगिन पूछा जाएगा, और इसके अलावा आपको जितने ऐप्स का यहाँ जरूरत है सब चीज को अनचेक कर लीजिए। आपकी सेफ्टी पर्पस के लिए आपको जब जरूरत पड़ेगा तब आप अंदर से ऑन कर सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी वाले स्क्रीन मिल रहे हैं, फिंगरप्रिंट एंड पैटर्न, हम देखते हैं कि स्किप आ रहा है। जी हाँ, आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। स्किप करने के बाद आप स्क्रीन पे आ जाएंगे, और अब हमें दिखेगा इस रोम का फर्स्ट यूआई इंटरफेस। तो ये है इस रोम का फर्स्ट यूआई, यानी कि फर्स्ट स्क्रीन। लेफ्ट साइड में भी आपको गूगल नहीं मिल रहा है, जैसे कि मैं लेफ्ट स्वाइप कर रहा हूँ, और राइट साइड में भी नहीं है। इसके बाद ये इसके क्विक टॉगल्स हैं, जो कि काफी कुछ MIUI इंटरफेस वाले हैं, बड़े साइज भी दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप ये देख सकते हैं, काफी कम प्री इंस्टॉल ऐप होके आया है, और आप देखिए जैसे मैं अप डाउन कर रहा हूँ, वॉलपेपर भी चेंज हो रहा है।